पिछले कई महीनों से वेट करने के बाद फाइनली अब ओला एसोनेर के दीदार होने वाले हैं, यानी फाइनली अब सभी प्री बुकिंग वाले कस्टमर्स को उनके स्कूटर की डिलीवरी मिलने वाली है। लेकिन कब, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि साथ में हम आपको ओला की तरफ से आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स और फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताएंगे, जिसके बारे में कंपनी आने वाले महीने में रिवील करने वाली है, जिसको जानने के बाद आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं एसोनेर के डिलीवरी डेट और आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में डिटेल में। फिलहाल सबसे पहले आपको बता दें कि ओला ने अब फाइनली अपने कस्टमर्स को एसोनेर की डिलीवरी देने का डिसीजन ले लिया है, यानी अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने एसोनेर की टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब स्कूटर पूरी तरह से रेडी हो गई है सड़कों पर चलने के लिए। इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो एसोनेर की डिलीवरी जल्दी शुरू करने वाली है, जो कि जुलाई का सेकेंड वीक हो सकता है, यानी 15 जुलाई के बाद से आपको एसोनेर की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ये बात अलग है कि सबको एक ही बार डिलीवरी नहीं मिलेगी, स्टेट बाय स्टेट धीरे धीरे करके मिलेगी, बट ये तो 100% कंफर्म है कि डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी इससे आने वाले 15 अगस्त को एक इवेंट करने वाली है, जिसमें कई सारे नए अपडेट्स और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताएगी, जिसमें कंपनी अपने न्यू गीगा फैक्ट्री और मोस्ट अवेटेड ईवी अपने इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में भी बताएगी। वैसे क्या पता कहीं कंपनी एसोनेर के जैसे अपने इलेक्ट्रिक बाइक को रिवील करके उसकी प्री बुकिंग भी लेनी ना शुरू कर दे, भले ही उसकी डिलीवरी आपको 2024 में मिले, क्योंकि ओला अधिकतर यही करती है, अपने नए ईवी को लॉन्च करके लोगों के बीच में हाइप क्रिएट कर देती है और कई महीने वेट कराने के बाद डिलीवरी देनी शुरू करती है। वैसे ये तो अब 15 अगस्त को ही पता चलेगा क्या लॉन्च होने वाला है और क्या नहीं। सो आपकी क्या राय ओला की इलेक्ट्रिक बाइक और एसोनेर के डिलीवरी डेट को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं।